नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन में होने वाली है एक अद्भुत परिवर्तन, और ऐसी घटना ना कभी हुई थी और ना ही इस धरती पर दोबारा कभी हो सकती है। दोस्तों, बहुत बड़े बदलाव आपकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, मात्र अगले 3 दिनों के अंदर आपको बहुत ही सावधानी रखने की आवश्यकता है। और आपको बता दें कि माँ दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत ही बड़ी खुशखबरियाँ प्राप्त होने वाली हैं, और आपके जीवन में एक नया आयाम जुड़ेगा जिससे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदली हुई नज़र आने वाली है। आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, और आपको बता दें कि सब कुछ कर्मों का खेल है। जैसे आपने कर्म किए हैं, वैसे ही आपको फल मिलना तय है। किस प्रकार आप अपने जीवन काल को बहुत ही सुंदर और स्वच्छ बना सकते हैं, प्रत्येक जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना देखे आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाना है कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। और दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही खास है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो भी भगवान शिव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय शिव शंकर ज़रूर लिखिएगा। महाकाल का और शिव शंकर का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आपके जीवन में बड़े ही सही तरीके से आपने अपने जीवन को नियंत्रित कर रखा है। यूँ कहे तो आप किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने देते हैं। आप हमेशा अपने समय में और अपने जीवन में सामंजस्य बना करके चलते हैं, जो बड़ा ही सही रहता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएँ होती हैं जिसके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं लग पाता है। ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। जीवन में आप बहुत बड़ी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बेहतरीन समय है, इसका सही सदुपयोग करें। आपको कोई काम मन मुताबिक करने से होने से मानसिक रूप से सुकून रहने वाला है। अगर कोई नया मकान या फिर प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपका निर्णय बहुत ही उचित रहने वाला है। ज़्यादा सोच विचार करने से कुछ उपलब्धियां आपके हाथ से फिसल सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सही समय पर सही फैसला लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। काम की ज़्यादा दिक्कत रहने वाली है, मेहनत की अपेक्षा परिणाम कम प्राप्त होने से आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। कारोबार में स्त्रियाँ विशेष रूप से अपने व्यवसाय में अच्छा ध्यान केंद्रित कर पाएंगी, उनके लिए इस समय लाभदायक ग्रह स्थितियाँ बनी हुई हैं। मनोरंजन तथा सामान्य प्रसादन संबंधित लोगों को काफ़ी अच्छी तरक्की मिलने वाली है। नौकरी में महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, कोई बेहतरीन अवसर आपके सामने आ सकता है, उसे तुरंत हासिल करने का प्रयास कर लीजिए। ये आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आप अपने अंदर एक अद्भुत उत्साह और ऊर्जा महसूस करने वाले हैं। बहुत समय से कोई रुका हुआ पैसा भी आज आपको किसी तरह से मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। परेशानियों से घबराना नहीं है, बल्कि इसका डटकर मुकाबला करना है। तो जीत बिल्कुल आप ही की होगी। मन कभी भी व्यतीत रह सकता है, खुश मिजाज व प्रभावशाली लोगों के संपर्क में भी आपका समय व्यतीत हो सकता है, तथा पुरानी बातों को आप अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी ना होने दें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। संतान पक्ष की तरफ से जीवन सुखमय है, कोई शुभ समाचार मिलने के सहयोग बन रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपके ग्रह योग दर्शा रहे हैं कि आप अपने परिवार से मिलन हो सकता है। सोच समझ करके किसी निजी और व्यवसायिक काम को आपको शुरू करना है। समय काफ़ी अच्छा बनेगा और आप तनाव से बच सकते हैं। किसी भी प्रयोगी से बात हो सकती है, जिसकी आप चाहत रखते हैं वह आपको आज मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपको जो मिला है उसको चाहना प्रसन्नता प्रदान करेगा। प्रेरणा से भरे हुए हैं और काफ़ी उत्साह में भी हैं। स्थिति काफ़ी अच्छी है, दिमाग काफ़ी सक्रिय और तेज़ भी है। इसमें नए नए और नीतियाँ आती जाती रहती हैं। दोस्तों, बता दें कि 3 दिनों में आपका काफ़ी ऊर्जा से भरा हुआ दिन रहने वाला है। हालांकि अगर आपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया है तो वो ऊपर नीचे हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, आज काफ़ी आपके लिए फलदायक समय है।
अगर आप किसी विशेष लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो सफल भी होंगे उसमें और घर में नवीन वस्तु की खरीदारी भी संभव हो सकती है। प्रश्न के जवाब आपको समय के साथ में प्राप्त होने वाले हैं। अभी के समय में आपका जिन बातों में बदलाव नहीं हो उन्हें आप वैसा ही छोड़ दीजिए, यह आपके लिए ज़्यादा सही रहने वाला है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपको लोगों के ऊपर यकीन बहुत जल्दी हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि वही लोग आपको धोखा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर जीवन में कोई भी घटना होती है तो उसका ज़रूर कोई ना कोई कारण होता ही है। हम मानते हैं कि अगर आपको प्यार में धोखा मिल जाए या फिर आपको मन चाहा साथी नहीं मिल पाता है तो आपको बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ भी होती है। लेकिन दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है कि आपके लिए जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी अच्छी चीज़ों के लिए होती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों में आपको खुश रहने की कोशिश करनी है, ईश्वर आपको सब्र का फल ज़रूर ही देगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि इसी के साथ में आपको बता दें कि जीवन में दुख का मूल कारण क्या होता है, संसार में मनुष्य दुखी क्यों है। आजकल जिससे भी मिलो वह केवल अपने दुख की बात करते हैं। कोई अपने आर्थिक दुख की बात करता है तो कोई अपने पारिवारिक दुख की बातें करते हैं, तो कोई अपने शारीरिक दुख की बातें करते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसे कोई दुख ना हो। खैर, हमारे जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते ही हैं, लेकिन मज़े की बात तो ये है कि हम अपने दुख के लिए कभी ईश्वर को तो कभी किस्मत को तो कभी दूसरों को दोष देते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको 3-4 कदम नहीं उठाने हैं। अगर आप किसी कार्य में चल रहे हैं तो आपको एक ही कदम उठाने की आवश्यकता है। आपका संकल्प और अच्छे प्रयास बर्बाद नहीं होंगे और आप निकट भविष्य में अच्छे फल की उम्मीद कर सकते हैं। आपको इस उद्यम में अपने परिवार का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आपका आविष्कारक और रचनात्मक दिमाग आपको कुछ नया खोजने में सहायता करेगा। दोस्तों, आपको ये भी बता देते हैं कि आपका आविष्कारक और कुछ रचनात्मक दिमाग आपको नए नए तरीके में भी सहायता दिलाएगा। आपकी रचनात्मक खोज और आपको प्रशंसा और पहचान भी दिलवा सकती है। दोस्तों, आपका स्वस्थ रहना काफ़ी आवश्यक है, इसलिए आप अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सतर्क हो जाइए। और आज का दिन प्यार के लिए उपयुक्त रहने वाला है। अपनी प्रिय के लिए अपनी प्रशंसा और प्यार का इजहार उसके लिए कुछ स्पेशल करके करें और देखिएगा कि आपके दिन कैसे खास बन जाएंगे। रोमांस की संभावना है, मगर आप अकेले हैं तो आज आपकी मुलाकात अपने प्यार से हो सकती है, या फिर आप अपने किसी करीबी को ही नए सिरे से रोमांटिक तरीके से देख सकते हैं। बता दें कि आपको अपने आप पर संदेह हो सकता है और अपनी खुद की क्षमता को नज़रअंदाज नहीं करना है। ये सब आपके असुरक्षित व्यवहार के कारण होता है, जिसने आपको नियंत्रण करना ही होगा। दोस्तों, एक गहरे स्तर पर दूसरों की साथ में संदेशों का आदान प्रदान करना होगा, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि दोस्तों, आपका स्वभाव बहुत ही मिला जुला रहता है, इसलिए लोगों के साथ में आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे और आप चाहें तो दोस्तों आपके लिए काफ़ी समय सही है, तो आप कोई लाभदायक अनुबंध प्राप्त भी हो सकते हैं। ऑफिस में भी कार्यभार की अधिकता रहने की वजह से आपको ओवरटाइम करने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों, आपके करियर के लिए जो समय होगा, आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में अधीन कर्मचारियों से किसी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न ना होने दें। इसका नकारात्मक असर कहीं ना कहीं आपकी कार्य क्षमता पर पड़ सकता है। दोस्तों, मीडिया या फिर फोन द्वारा कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना बन रही है। इस समय आपकी लव लाइफ काफ़ी सही है। पति पत्नी अपने अपने कार्य में समय व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर विश्वास आपसी सामंजस्य बनने में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से
जय श्री राम, जय माता दी और जय शिव शंकर के जयकारे जरूर लगाइएगा। आपका दिन सुखमय हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।